हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और हम जाने वाले हैं एक वन ब्लॉक के स्काई ब्लॉक में, नहीं स्काई ब्लॉक के वन ब्लॉक में नहीं, जो भी हम जाने वाले हैं। तो हमें इसमें मिलने वाला है एक आइलैंड, उसके सामने एक और आइलैंड है, इस पर हम बाद में जाएंगे। तो इस आइलैंड पे हमें तीन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव स्टोन इकट्ठा करना, सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें एक पेड़ दिया गया है, उससे सैपलिंग इकट्ठा करके हमें और अपने पेड़ उगाने हैं ताकि वुड मिल सके, और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमको एक एरिया बनाना है जहाँ पे हमारा घर बन सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव के लिए हमें बनाना होगा कॉबलस्टोन जनरेटर, जो कि हमें इस आइलैंड पे दिया गया है। इस आइलैंड पे एक चेस्ट है, उस चेस्ट में हमें दिया है एक लावा बकेट और एक क्या बोलते हैं इसे, आइस दिया गया है। तो इस आइस को यहाँ लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा पानी, और उस पानी के सामने डालने से लावा और बन जाएगा कॉबलस्टोन। इस कॉबलस्टोन को तोड़ने के लिए चाहिए होगा वुड, और इस वुड को मिलेगा हमें पेड़ से, और इस पेड़ से हम बनाएंगे पिकेक्स। ओ शिट, बच गया हमारा वुड, बच गया है। तो हम लोग करेंगे माइनिंग शुरू, और इसके हम एक छोड़ देते हैं ताकि ये लीव्स डिस्पॉन ना हो जाए। हमें चाहिए होगा इससे सैपलिंग्स, जिससे हमारे और पेड़ बन सकें, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि तोड़ने में आसानी हो, और मैंने दो स्टोन तोड़े हैं ताकि हम इसको यहाँ लगा सकें। तो माइनिंग करना शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में माइनिंग करके। अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि इसको तोड़ के अपने एक स्टोन की पिकैक्स में डालते हैं ताकि अपनी माइनिंग में आसानी हो। तो माइनिंग के लिए आसानी के लिए ये लगाई दो स्टिक, तीन ये, और अपना बन गया है एक पिकैक्स, वो भी स्टोन का। तो अपनी माइनिंग आई थिंक सो फास्ट हो जाएगी। तो मिलता हूँ कुछ ही देर में। तो माइनिंग करते करते रात हो चुकी है और हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 4 स्टैक कॉबल स्टोन्स। तो मैं सोचा था अब इसको तोड़ने का समय आ गया है, अपने पास वुड की कमी होने वाली है। तो ऐसा करते हैं, अपने कॉबल स्टोन को बना लेते हैं स्लैब्स, क्योंकि ये डबल कर देगा हमारे सीधे ब्लॉक को। तो इसको हमको यूज़फुल रहेगा, तो बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. तो फाइनली हम लोगों ने थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड कर दिया है, और इस लार्ज वुड को भी हम कलेक्ट करेंगे। तो हमको अब इसमें से सैपलिंग मिलना चालू हो जाएगी, और एक सैपलिंग तो हमको मिल भी गई है। तो एक सैपलिंग यहाँ लगा देते हैं, और एक दो सैपलिंग और मिल जाए तो उसको हम लगा देंगे। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे अपनी माइनिंग। तो हमको कॉबलस्टोन और चाहिए ताकि हम अपना एरिया बना सकें, और हमको वो सामने वाले आइलैंड पे भी जाना है। तो एक और मिल गई है, तो अब चालू करते हैं अपनी माइनिंग दोबारा से। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और माइनिंग करके। तो हम लोगों को सारे लीव सैपलिंग्स मिल चुकी हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे और यहाँ भी लगा देते हैं। और माइनिंग करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, तो मैं सोच रहा था कि हम कुछ बना लेते हैं। तो मैंने सारे स्टोन का स्टोन स्लैब बना दिया है। तो अब मेरे पास एक आइडिया है, हम नीचे चलेंगे और इस अपने एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अरे बार एक सेकंड, मैं तो वो तो लाया ही नहीं स्लैब, स्टोन कॉबलस्टोन। तो कॉबलस्टोन ले लेते हैं, और मैं बताता हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तो हमको नीचे एक पूरा एरिया बनाना होगा। चलो ऐसे समझिएगा, मैं करके बताता हूँ। अरे वाह, एक पेड़ और उग गया है। चलो अपना वुड तो अपने को मिलेगा, अब इन्फिनिटी हो गया हमारा। तो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और सेकेंड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ से पानी लेते हैं, और यहाँ पर कहाँ डालें, यहाँ पे सही लग रहा है, इधर डालते हैं, यहीं से नीचे चलते हैं। हाँ ये सही है। तो यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग। तो हमको यहाँ से हम जो लाए हैं कॉबलस्टोन, हमको लगाना है, यहाँ लगाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 मीन आई थिंक सो बहुत होगा। तो थोड़ा सांस ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे दोबारा चलेंगे, और फिर अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक स्लैब इसके नीचे। तो एक स्लैब यहाँ लगाएंगे, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। हाँ, अब इसके ऊपर चढ़े हो जाएंगे तो हमारी सांस आएगी, और यहाँ से इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो ऐसा इससे क्या होगा, हम लोग अपने सारी सैंड का यूज़ कर पाएंगे। जितनी देर में हम लोगों ने नीचे का एरिया बनाया, हमारे यहाँ पे दो पेड़ उग चुके हैं। पहला पेड़ पहले ही उग गया था, ये सेकंड पेड़ है जो कि अभी उग चुका है। और मैं सोचा था अगर हम इसके सैपलिंग्स, ये वुड अगर हम काट लेंगे तो हमें मिलेंगे सैपलिंग्स। उन सैपलिंग्स को लगाने के लिए हमारे पास जगह बची नहीं है, तो मैं सोच रहा था जो इसके नीचे की एक्स्ट्रा जितनी भी सैंड है वो हम ले लेते हैं और यहाँ पर एक रास्ता बना लेते हैं। तो हम लोगों ने सारी सैंड इकट्ठा कर लिया, एक रास्ता भी बन चुका है। और अब मैं सोच रहा था कि सारी सैंड लगा देते हैं और उस पर अपने लगाते हैं सैपलिंग। तो जितनी भी सैपलिंग्स हमको मिली थी, मैंने सैपलिंग के हिसाब से सैंड लगा दी है। और जितना भी अपना कोबल स्टोन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि अब हम ये अपना जो भी थोड़ा बहुत 2-3 स्टैक अपना स्लैब बचा है इसको रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं माइनिंग दोबारा, ताकि हमको अभी और भी चीज़ें हमको बनानी है तो उसके लिए कम ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं माइनिंग करना। तो पूरी रात माइनिंग करते करते मेरी 2 पिकैक्स टूट चुकी हैं ऑलरेडी, और फिर से हमने 3 स्टैक के आसपास ये जमा कर लिया है। तो इससे बना लेते हैं कॉबल स्टोन और अब चलते हैं उस आइलैंड की तरफ, देखते हैं उस आइलैंड पे हमें कुछ मिलेगा। पीछे देख लेते हैं, एक सीधा जा रहा है, एक बार और देख लेता हूँ। सीधा है, हाँ सीधा तो लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से वहाँ जाके देखें कुछ बढ़िया मिले तो अच्छा होगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और ये पहुंच गए। तो देखते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या है। इसके अंदर है पम्पकिन सीड और मेलम स्लाइस और ऑब्सीडियन। तो अब हम नेदर में जा सकते हैं और इस चेस्ट को यहाँ के छोड़ना है, इसको भी चलते हैं। और अगर हमने सैंड ऐसे तोड़ी तो सारी सैंड नीचे गिर जाएगी। तो मुझे एक आइडिया है, तो हमको चाहिए होगी बकेट। ये सब सामान यहीं छोड़ देते हैं ताकि सब बच जाए। तो हमको यहाँ से पानी डालना होगा नीचे, तो जिससे हम इससे नीचे जाके, जैसे हमने वहाँ पे एक एरिया बनाया है वैसे ही सेम एरिया हमको यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे पानी डालेंगे इधर, हाँ, तो ये पानी इससे नीचे जाएगा और हमको सेम वही चीज़ इधर करनी होगी। हमको यहाँ बनाना होगा एक प्लेटफॉर्म नीचे, जिससे हम इसको पूरा ऐसे कवर कर सकें और सैंड तोड़ सकें। तो इसके नीचे स्लैब लगाना शुरू करते हैं, 1, 2, 3। तो हम लोगों ने सारा सैंड इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ से वापस चलते हैं और अपना पानी भी यहाँ से वापस ले लेते हैं। और मैं सोच रहा था कि ये कैक्टस जो हमको मिला है, सैंड और कैक्टस, तो इसको भी कहीं पे नीचे लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाएगा। पर मेरे को ये चीज़ नहीं पता कि कैक्टस का काम क्या होता है। तो अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई थिंक सो तुमको कुछ ना कुछ पसंद तो आया ही होगा, तभी यहाँ तक देखी है। तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो जो तुमको अब पता ही है तुम्हें क्या क्या करना होता है, तो बार बार बताना ना पड़े, कर देना। और जिसको अभी भी समझ नहीं आया है तो प्लीज सबर करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो पंपकिन सीड तो लग गया, लेकिन मेरे को ये मेलन लगाना नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे लगेगा। तो मैंने ये हर जगह ट्राई किया, इधर भी लगा, उधर भी लगा, पानी में भी लगा, तो ये पता नहीं कैसे लगेगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। या तो हम लोग सैंड में से लेके आए थे, तो क्या पता ये सैंड में ही लगे, तो एक बार सैंड में लगा के देख लेता हूँ। सैंड पे लग जाए तो अच्छा है, वरना इसको खाने के अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हम उगाएंगे कैसे इसे फिर, अगर किसी को पता है तो मुझे बता देना। ऐसा करते हैं, इसको शायद हमको, हाँ पंपकिन सीड चाहिए हमको शायद, क्योंकि पंपकिन सीड था, वाटरमेलन सीड नहीं था। तो इसको अगर हम क्राफ्टिंग टेबल में डालेंगे तो हाँ मिल गया सीड, अब शायद ये लग जाएगा। तो इसको हो मार के एक बार लगा के देखते हैं लग रहा है कि नहीं। हाँ तो ये तो लग गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमने वुड काटे हैं उसको कलेक्ट कर, उसकी सैपलिंग्स हमको मिलेंगे, तो ये सैपलिंग इकट्ठा करके यहाँ पे सैंड लगा के सब लगाते हैं। चलो, तो मैंने नीचे सैंड और सैपलिंग तो लगा दिया है। तो यहाँ पे अपना ये उग रहा है, तो दोबारा से माइनिंग पे चलते हैं। To my face while he's looking back, mirror breaks after math, when I hate I attack, तो काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे मिल चुके हैं पूरे के पूरे 10 स्टैक कॉबल स्टोन्स। तो अब इनसे हमको कुछ क्रेजी बनाने वाले हैं हम लोग, जो मैंने सोचा है वो एकदम क्रेज़ी होने वाला है। तो ये पेड़ वगैरह हमको काटना पड़ेगा, और ये एरिया भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा उस तरफ से, क्योंकि अपने सैपलिंग नीचे गिर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा करते हैं, इनको काटते हैं, एक एक्स ले लेते हैं काटने के लिए। तो अब चालू करेंगे हम काटना, और ये सारा वुड इकट्ठा करके हमको इनके सैपलिंग भी चाहिए, तो सब कुछ हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ उन सबको काटने के बाद। तो मैंने सारा वुड काट लिया है, अब हमारी सिर्फ लीव्स बची हैं, और इसके अलावा सारा काम हो चुका है। तो ये स्लैब सब कुछ इसमें रख देते हैं, और स्टार्ट करते हैं जो हमारा छोटा सा हमको एरिया एक्सपेंड करना था, वो एरिया हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ से। तो बेसिकली हम यहाँ से 2 ब्लॉक का सोच रहा हूँ एक्सपेंड करें, क्योंकि हमारे लीव्स नहीं गिरने चाहिए, मतलब सैपलिंग नहीं गिरनी चाहिए। तो इसको हम एक्सपेंड करके, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो सारा एक्सपेंड कर दिया है मैंने, और सारी लीव्स भी मेरे को, सारे मतलब जितने भी हमको सैपलिंग मिलने चाहिए थे वो हमको मिल चुके हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं नीचे, और जो हमारा फाइनल लुक है, जो हम आज हमारा 3rd ऑब्जेक्टिव था, हम अपने एरिया को इतना बना सकें कि हम वहाँ थोड़ा घूम सकें, और हम बेसिकली हमको घर बनाना है अब इधर। तो घर तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, तो अभी बनाना चालू करते हैं इसको एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लगाएंगे स्लैब, और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर एक और स्टेयर बनेगी जो कि यहाँ बनेगी, इसके ऊपर भी एक स्लैब, और इसके इधर भी एक स्लैब, इधर भी लगाएंगे एक स्लैब, और ये आखिरी स्लैब, और यहाँ से हम इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे चारों तरफ। When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Step up. तो ये था एक फाइनल लुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो कमेंट मी डाउन, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू डिड देन मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।